कि मम्मी का नाम ये भाई, हमारी लड़की तो अब चली गई हमारी, लेकिन और लड़कियों के साथ ऐसा ना हो। तो हेलो गाइस, तो जो आकांक्षा जी का केस चल रहा है, वो केस लड़ रहे हैं उनकी ओर से, वो भी फ्री में लड़ रहे हैं। तो कहना है थोड़ा, भैया लोग पूछते क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में। फिल्म लड़ रहे हैं, हाँ, फ्री में लड़ रहे हैं। अच्छी बात है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप फ्री में केस लड़ रहे हैं कांचा जी का, क्योंकि वही एक उनकी माँ है और कोई उनका सहारा नहीं है, तो आप जो लड़ रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। बहरहाल हम भी देखें ये वीडियो, तो बहुत अच्छा लगा हमको कि जो उनकी ओर से केस लड़ रहे हैं, फ्री में लड़ रहे हैं उनकी और कोई वकील चार्ज है। नहीं ले रहे हैं। तो उनका कहना है कि भाई जो सीसीटीवी कैमरा है, जो वो भी लड़ सीसीटीवी, रहे हैं तो पैसों से नहीं ले रहे हैं, ऐसा नहीं है, पैसों से ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। हाँ जब फीस नहीं ले रहे तो वही तो बोल रहे हैं हम भी। उनका कहना है जो सीसीटीवी जो फोटोज है, जो जिस रात होटल में वो गई थी आकांक्षा जी और संदीप जी भी गए थे, 15-20 मिनट रहे उस रूम उसमें, उस सीसीटीवी न्यायालय में लाया जाए, और जो वो जो फांसी लगाई थी 7-8 किलो, वैसे लटका के देखा जाए कि क्या वैसे पॉसिबल है, क्योंकि जब फांसी लगाएंगे, जब सांस फंसेगी है तो आदमी छटपटाएगा कि नहीं छटपटाएगा। तो उनका बिस्तरा जो है वो सही, एकदम क्लीन है, क्लीन है एकदम बिस्तरा, एकदम पूरा सही है, बिखरा नहीं है, और मोबाइल चार्ज पे लगी है, और सबल का जो पानी है, जो मतलब टोटी का जो पानी है बाथरूम में वो चल रहा था। तो शक के घेरा ये ज्यादा कि मर्डर करके वैसे वैसे लटका दिए हैं और सब कुछ चालू कर दिए हैं वैसे, कि फिर वो कोर्ट में ला जाए, न्यायालय के सामने ला जाए। और जिस हिसाब से वीडियो भी आ रहा, उनका 3 महीने पहले का वीडियो है जो जो बोल रही हैं, जिसमें कि अगर मुझे कुछ होता है इसके जिम्मेदार समर सिंह होंगे, और उनका एक फोटोज भी है कांचा जी की माँ जो वायरल अपने हिसाब से अपने हाथ से की है, का फोटो जिसमें समर सिंह उनकी मारे चोट थे, लगी है यहाँ पर चोट आँख लग में गई है ना, पूरा। हाँ, दागी है पूरा, बोल रहे थे। देखा था हमने जो किया आया था थंबनेल पे आया था, तो समर सिंह मारे थे, बर्थडे बर्थडे में पार्टी मारे थे, जब उनका बर्थडे था तो मारे थे। और सारनाथ चौकी में बनारस में केस भी दर्ज कराई थी उनकी माँ, बोले कि उनका कुछ पता नहीं चला, केस दर्ज कराई थी सारनाथ चौकी में, पुलिस चौकी में केस दर्ज कराई थी। तो काफ़ी एविडेंस है, जिस आकांक्षा जी के वकील का कहना है कि काफ़ी एविडेंस है आकांक्षा दुबे की माँ के पास, जिसमें समर सिंह की फांसी हो फांसी सकती भी हो सकती है है। या उनको उम्र कैद सजा भी हो सकती है, और वो जब न्यायालय में आएंगे तो एविडेंस काफ़ी है जो कि पेश करेंगी कोर्ट के सामने। तो भाई जब एविडेंस है तब तो पेश करेंगे, तो जब गलत किए हैं तभी गलत की सज़ा मिलेगी। और आप लोग से यही है कि आकांक्षा जी के न्याय दिलवाइए, और समर सिंह गलत है तो भाई उनको सज़ा दिलाइए, है यही ना भाई, जो गलत है वो गलत है सही बात, नहीं। कोई भी हो भाई, बात हाँ तो सही अब है। उनकी माँ बार बार माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी से बोल रही हैं कि आप कहाँ हैं, हमारी पुकार सुनिए, तो भाई अभी मेरे योगी कभी जी तक भी, न्याय नहीं दिलाए, आप लोग कहाँ हैं हाँ अभी बीस तक। पच बीस इतने दिन हो गए अभी तक मुझे न्याय नहीं मिला है। बोले मेरे लड़की न्याय चाहिए भाई, तो चाहिए। उनका कहना ये है कि हमारी लड़की तो चली गई भाई, और बाकी लड़कियों के साथ ऐसा ना हो, हाँ है भाई, उनके सही मम्मा है, कहना में है, सही उनकी बात। मम्मी का नाम ये भाई, हमारी लड़की तो अब चली गई हमारी, लेकिन और लड़कियों के साथ ऐसा ना हो। सही चलिए बात। ठीक है, कोई नहीं, जो भाई आओ भाई उनके आकांक्षा जी के वकील का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप केस लड़ रहे हाँ, हैं। उनकी तरफ से आप लोग को सबको धन्यवाद, उनको वकील को भाई, वो भी चलिए फिर। ठीक, तो चलो गाइस, वीडियो देखते रहिए, हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं। और जो भाई गलत है उनको न्याय तो चाहिए, आकांक्षा जी को। अब अगले वीडियो मिलते हैं, आप लोग को कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना। चलो ठीक है।